बात करती हूं बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट से और बिरला सॉफ्ट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज प्री ओपन में इशारा था कि थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार की शुरुआत होगी। स्टॉक खुला ऊपर और उसके बाद फिसला है, इस समय 2% के नुकसान पर 661 के लेवल्स इधर बनते दिखाई दिए हैं। अब वो नंबर्स कैसे रहे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब करीब 11% बढ़ा है, मार्जिन्स स्टेडी रहे 14.7% के आसपास। डॉलर आय में हमने देखा है डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 1.6% पर है, एक्सपेक्टेशन 2.2% के आसपास की थी और कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर कंपनी ने करीब 1.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। अब ज़्यादा डिटेल्स कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कामिनी शाह से लेते हैं। कामिनी जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कैसे रेट करेंगे इस क्वार्टर को, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि डॉलर रेवेन्यू करीब 2% के ऊपर आएगा, ये 1.5% तक ही सीमित रह गया इस क्वार्टर में। तो अगर मैं इस क्वार्टर को देखूं, राइट, द क्वार्टर वाज अ लिटिल सॉफ्ट कंपेयर टू व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड, बट देखिए आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन तो देखिए तो वी आर ओवरऑल क्वाइट प्लीज्ड विद हाउ द क्वार्टर हैज टर्नड आउट। हमारा अभी दिस हैज बीन आवर फर्स्ट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसमें हमारे ऑलमोस्ट 9.5% एक्सक्लूडिंग इन्वाकेयर, सो हमारे लिए साल हैज बीन अ लॉट मोर fuller and complete. So we are actually happy with the performance. और आप देखिए तो margin भी बढ़ा हुआ है, हमारा PAT भी बढ़ा हुआ है. So it is in line with the overall plan that we had set for ourselves. क्योंकि आपने पहले लाइन कही that you would have perhaps done better. What was your expectation कि dollar revenue में especially what were you anticipating आएगा? नहीं नहीं हम तो कभी guidance नहीं देते हैं, so we don't comment on that piece. But I'm saying always, you always expect to be better than what you deliver, right? So, usi hisab se dekhe to, yeah, anytime better, but we are personally satisfied because we've done all the right things as far as this quarter is concerned. Okay. Margin bhi bada hua hai, cash has also been very good, TCV deals have also been overall okay. So I think, yes, we are overall happy with it. Yeah, but margins is at 14.7%, ma'am, jahan par pichle quarter you roughly delivered 16%. तो ये एबरेशन क्यों है? आप लाइक टू लाइक नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर वी हैड डिलीवर्ड 16% एबिटा, एज अगेंस्ट दैट हमारे 16.3% एबिटा हमने डिलीवर किया है। एबिट आप जो बोल रहे हैं, राइट, बेसिकली वाज एट अबाउट 14.7, सो आपको 30 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ये आप इसे सोचिए कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने जो वी आर लार्जली योर US बिजनेस, हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा अभी 15% बिजनेस है, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन दैट एरिया, हम कैपेबिलिटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट हमने मार्जिन एक्सपेंशन किया हुआ है, दैट इज बिकॉज हम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बहुत ड्राइव कर रहे हैं और हम कमर्शियल कंस्ट्रक्ट्स भी अच्छे कर रहे हैं कस्टमर के साथ। सो इस हिसाब से अगर देखिए तो वी आर सेटिस्फाइड विद आवर मार्जिन परफॉर्मेंस इन द करंट क्वार्टर। इसको और बेहतर करने का स्कोप है कामिनी जी as the year progresses or FY25 में especially? So, हमारा जो philosophy है ना, अभी we are focused on growth at this point of time. So, जो भी हम operational efficiencies में से जो benefit लाएंगे, वो हम अपने business में improve करेंगे. So, to that extent, हम लोग actually वो narrow band में ही रहेंगे. हमने जो पहले couple of quarters में जो commit किया था कि हम 16% पे exit करेंगे, हमने वो निभाया हुआ है. So, I think आप FY25 पे मान के चलो, we will probably be in this narrow band that we are at this point of time. Okay. Deal wins par thoda detail dijiye. You've clocked nearly about $239 million of deal win, if I'm not mistaken. किस सेगमेंट से है, BFSI खासतौर से कैसे परफॉर्म कर रहा है आपके लिए, क्योंकि ये एक पेन पॉइंट रहा दिग्गज कंपनियों के लिए। हाउ इज BFSI डूइंग फॉर बिरला सॉफ्ट? तो अगर देखिए तो आप BFSI बिजनेस जो हमारा 20% ऑफ द बिजनेस इज बीन डूइंग वेरी वेल, हमारा अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे आप तो इज ऑलमोस्ट अबाउट 15-16%, सो यू नो वी हैव डन वेरी वेल ऑन BFSI। एज फार एज TCV इज कंसर्न, राइट, हमारा फुल ईयर का नंबर जो है इज अबाउट 875 million दिस ईयर, एज अगेंस्ट वी आर ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू लास्ट ईयर, राइट। सो कैन डील विंस वुड हैव बीन बेटर, यस ऑफ कोर्स इट कैन बी बेटर, पर हमारी पाइपलाइन अच्छी है, वी आर नॉट लूसिंग एनीथिंग सिग्निफिकेंट माइनर डील्स हियर एंड देयर, सो इट इज एनकरेजिंग फॉर अस। देखो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है एंड आई थिंक वी आर फोकस्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू मेक श्योर दैट वी इम्प्रूव दिस गोइंग फॉरवर्ड।
ओके, जब आप कह रही हैं कि थिंग्स मे इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड, कि क्या डिस्क्रिशनरी स्पेंड वापस आने के आसार हैं, व्हाट आर क्लाइंट्स रियली टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग? तो देयर आर टू और थ्री मैसेजेस जो क्लाइंट हमें बता रहे हैं. वन इज द की मैसेज इज दैट बजट्स जो लास्ट ईयर थे और ये साल जो है वो बजट्स हैव नॉट गॉन डाउन, व्हिच आई थिंक इज अ पॉजिटिव थिंग इन अ टफ मैक्रो सिचुएशन. सेकेंडली दे हैव ओपन्ड दिस अप फॉर अ लॉट ऑफ players like us, जो पहले टीयर वन से काम कर रहे थे, they are happy to work with tier two. So that opens up a lot of opportunities for us. Third is, वो invest जो कर रहे हैं, वो cost takeout programs में अभी invest कर रहे हैं, हमारे जो set of clients है. Discretionary spends, I think, अभी एक दो quarter लगेंगे, but our sense is that by second half of the year, you should start seeing the discretionary spends coming back as they drive more efficiencies in their current run business. So broad and broad, आप देखो, ये election year है, in a lot of countries. So I think there will be some amount of uncertainty the first couple of quarters, but I think we should be back on track after that. Aapka annualized revenue kahan par exit kar rahe hain aap is saal? So we will be doing at about 637 million actually. Agar aap dekho, you have to remember that would be the number that you will be about 5,200 crores approximately. Okay. And how soon do you think you'll be able to reach that $1 billion mark? Wo FY25 mein sambhav hai? Very difficult. I mean, see, we don't give any guidance, but our aspiration is in the next couple of years, we should be able to get there. So we are all working towards that. Okay. Bahut bahut shukriya, Kamini ji, and good luck to you. Thank you very much. FY25. So, in fact, BFSI is company ke liye kareeb 4.4% tak ke growth lekar aaya hai. Wahan par sthiti behtar hai. Aur commentary, ek cheez mujhe jo achhi lagi, ki jab ek client se baatcheet kar rahe hain, कि कंपनियां जो लार्जली दिग्गज कंपनियों के साथ ही, दिग्गज भारतीय आईटी कंपनियों के साथ काम कर रही थी, वो मिड कैप आईटी कंपनियों के साथ बिजनेस करने को तैयार है और वहां से शायद वो डील विंस और बेहतर होने के आसार बन सकते हैं. तो ये फिलहाल एक बड़ा टेक अवे इस बातचीत का. चलिए लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के बाद जानते हमारे जानकारों के रेडार पर और कौन से नए ट्रेड आए हैं. आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ.